This video is made for medical student as a part of their syllabus. We do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner. The information provided here is adopted from the product we used. Our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification. Note, self-medication is always hazardous. Do not take any medicine without the proper guideline and prescription of any of the medical practitioner. Hello friend, welcome to the channel Pharmacy Dictionary. आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो बेसिकली एक क्रीम है और ये जो क्रीम है इसका ब्रांड नेम है क्यूटी सॉफ्ट. क्यूटी सॉफ्ट जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये स्किन के यानी कि क्यूटेनियस पार्ट के सॉफ्टनेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ऐसा हम समझ करके याद रख सकते हैं अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो. इसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वह है आपका स्टेरॉइड. कौन सा स्टेरॉइड? यह है हाइड्रोकॉर्टिसोन और इसका जो कंसंट्रेशन है वह है 1% वेट बाय वेट और इसका जो फॉर्मूला है वो इंडियन फार्माकोपिया को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है. ये इप्का फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा बनाई गई है और इस पूरे जो क्रीम का ट्यूब है इसका जो साइज है वह है 15 ग्राम. अब हम बात कर लेते हैं कि इसका इंडिकेशन क्या है, इसे हम कब यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं. बेसिकली इसका यूज एक टॉपिकल स्टेरॉइड के रूप में करते हैं, यानी कि ये एक स्टेरॉइड्स है. जो हाइड्रोकॉर्टिसोन आप देख रहे हैं वो स्टेरॉइड्स, और स्टेरॉइड्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं. तो ये जो स्टेरॉइड्स है वो केवल आप टॉपिकल पे अप्लाई कर सकते हैं, इसे इंजेस्ट नहीं कर सकते. और इस टॉपिकल स्टेरॉइड्स का यूज हम लोग स्किन के ऊपर होने वाले बेसिक इन्फ्लामेशन जो आपके एक्जिमा वगैरह होते हैं और इस इन्फ्लामेशन की वजह से जो रेडनेस, जो इचिंग, जो स्वेलिंग जो होता है इसको कम करने के लिए हम यूज करते हैं. यूं तो इसे किसी भी एज ग्रुप में यूज कर सकते हैं बट इसका जो मैक्सिमम यूज होता है वो उन छोटे छोटे बच्चों में होता है जिनको स्टार्टिंग से किसी न किसी पर्टिकुलर नोन या अननोन चीजों से एलर्जी होती है और उनके स्किन में एलर्जिक रिस्पॉन्स के रिजल्ट के स्वरूप छोटे छोटे फुंसे निकलने आने लगते हैं. अक्सर हमने देखा हुआ है कि छोटे बच्चे होते हैं जो 3 से 4 महीने के बीच में इनके चेहरे पे खास करके फेस या चिक वाले हिस्से में छोटे छोटे दाने आते हैं जो कुछ समय बाद 2-3 दिन तक रह करके अपने आप चले जाते हैं और कभी कभी ये थोड़े से और आगे की ओर बढ़ते हैं. तो ऐसे केस में ये इन्फ्लामेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सम एलर्जिक रिस्पॉन्सेज. सो डॉक्टर की सलाह पे आपको ये क्रीम अवेलेबल की जाती है या डॉक्टर आपको इस क्रीम को यूज करने का सजेशन दिए जाते हैं. इसको अप्लाई करने से हमारे स्किन पे जो इन्फ्लामेशन है और इन्फ्लामेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल केमिकल मीडिएटर है वो काफी हद तक सप्रेस हो जाते हैं. चलिए मैं आपको एक सिंपल सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ये इन्फ्लामेशन बेसिकली होता क्या है. हमारे बॉडी में कई तरह के इन्फ्लामेटरी मीडिएटर होते हैं और उनके हर एक के अपने एक रिस्पेक्टिव रिसेप्टर होते हैं. तो ये जो रिसेप्टर है वो अगर हम ये मान के चलें कि आपके इन्फ्लामेशन के मीडिएटर को बाइंड होने की जगह देते हैं तो यहाँ पे आपके जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है वो आते हैं और अपने इस जगह को ऑक्यूपाई करते हैं. जब ये इस जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे मतलब इनका जो रिस्पॉन्स है यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि सिग्नल मॉलिक्यूल या इसे हम लिगेंड मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं और ये आपका रिसेप्टर है. इन दोनों के कोलैबोरेशन होने के बाद हमको मिलती है बायोलॉजिकल एक्टिविटी. ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिजायरेबल और अनडिजायरेबल दोनों हो सकती है. डिजायरेबल तब होगी जब आप किसी ड्रग के रिस्पेक्ट में बात करेंगे और अनडिजायरेबल तब होगी जो आपकी बॉडी के नेचुरल सिग्नल मॉलिक्यूल अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर पर बाइंड हो रहे होंगे और अनकंफर्टेबल कॉज करने वाले जो फिनोमिना है जैसे इन्फ्लामेशन वो इसको इनिशिएट कर रहे होंगे. सो हमारा जो एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट होते हैं जिनके अंदर अभी आज का जो ड्रग है वो है हाइड्रोकॉर्टिसोन विच इज एग्जाम्पल ऑफ स्टेरॉइड. तो ये इसी इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो केमिकल सिग्नल्स हैं, सपोज दिस वॉज अ केमिकल सिग्नल, तो इनकी अवेलेबिलिटी को कम करते हैं ताकि ये अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर पे इतने ज्यादा अवेलेबल ना हो कि वो बाइंड हो सके. और जब वो बाइंड नहीं होंगे या उनकी अवेलेबिलिटी कम होगी तो हमारा जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स था यानी कि इन्फ्लामेशन था वो आप कम कर सकते हैं. तो ये हमारे इस हाइड्रोकॉर्टिसोन के काम करने के तरीके हैं. इसको अप्लाई करने के भी कुछ खास स्टेप्स होते हैं. जैसे मान लेते हैं अगर आपके छोटे बच्चे के 3 से 4 महीने या 5 से 6 महीने के बीच में हो या किसी भी एज ग्रुप के ही क्यों ना हो तो जिस पर्टिकुलर पार्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं याद रखिए दिस इज अ टॉपिकल हाइड्रोकॉर्टिसोन. तो ये जो आपके टॉपिकली है उस पर्टिकुलर पार्ट पे इसको अप्लाई करने से पहले अच्छे से एक शार्प वाटर और साफ कपड़े से पोंछ लें, उसे ड्राई कर लें और उसे उस जगह पे अप्लाई करें दिए गए क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली. इसका रेगुलर यूज प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली किया जाना चाहिए ताकि आप अच्छे से इसका इफेक्ट अचीव कर सकें. तो ये उनके कुछ इंडिकेशन हो गए.
अगर हम बात करें इनके कंपोजिशन की तो यह है हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट और यह इंडियन फार्माकोपिया को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इनका जो स्ट्रेंथ है वह 1% वेट बाय वेट। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सिपिएंट और एडिटिव को यूज किए गए हैं, जैसे कि आपके सेटोस्टेरॉल अल्कोहल इंडियन फार्माकोपिया, सेटो मैक्रोगोल 1000 ब्रिटिश फार्माकोपिया को फॉलो करके गया, इनके ग्रेड के बारे में बात कर रहे हैं, व्हाइट सॉफ्ट पैरासीन बेस्ड ऑन इंडियन फार्माकोपिया, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल आल्सो बेस्ड ऑन इंडियन फार्माकोपिया, लिक्विड पैराफीन इंडियन फार्माकोपिया, कोलेक्रोसोल आईपी इंडियन फार्माकोपिया, डाइसोडियम हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट डाइहाइड्रेट विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इंडियन फार्माकोपिया, सोडियम डाइहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट डाइहाइड्रेट ऑल्सो बेस्ड ऑन इंडियन फार्माकोपिया, फॉस्फोरिक एसिड ऑल्सो बेस्ड ऑन इंडियन फार्माकोपिया, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जिसका जो सब टाइप है, और कुछ क्रीम बेस जिसके अंदर इन सब को डिसॉल्व किया गया होगा और वो एक क्वांटिटी सफिशिएंट मात्रा में रखे गए हैं ताकि इनको सफिशिएंट बेस मिल सके इस क्रीम को फॉर्म करने के लिए। जैसा मैंने कहा इस क्रीम का जो यूज है वो एक्सटर्नल यूज ओनली है, इसे आप केवल टॉपिकल पार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं और इसे किसी भी तरह के इंटरनल या ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करना है। जब इस कंटेनर को आप ओपन करेंगे, कार्टून के बॉक्स को ओपन करेंगे तो आपको ट्यूब मिलेगी। इस ट्यूब के एक कैप को आपको पीछे साइड एक थोड़ा सा कांटे जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको यूज करते हुए उस नोजल को आपको पंचर करना है और उसके बाद आपको यूज करना है। एक चीज हमेशा याद रखनी होती है किसी भी ड्रग के साथ, खासकर के स्टेरॉइड्स के साथ, कि इनका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से एक्सीड नहीं होना चाहिए और लाइट के प्रेजेंट में नहीं आना चाहिए। बट इट डजंट मीन कि इसको आप फ्रिज में रख करके फ्रीजर कर सकें। लाइट में नहीं आने के पीछे का क्या लॉजिक होता है जो कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्ट में मिलेगा, उसका सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हम इसको किसी भी ऐसे साथ पे रखते हैं जहां पे लाइट सोर्स काफी तेज होगी, मोस्ट ऑफ द केस ये डायरेक्ट सनलाइट की हम बात कर रहे हैं, तो इस सनलाइट से आने वाली जो लाइट है वो कुछ ना कुछ केमिकल रिस्पॉन्स स्टार्ट करेगी, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेगी, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की जो केमिस्ट्री है वो चेंज हो जाएगी, दैट में कन्वर्टेड फ्रॉम 1 to B, और ये फिर आपके यूज के लिए शायद अप्रोप्रिएट ना रह पाए। तो ये था हमारा आज का प्रोडक्ट क्यूटी सॉफ्ट, दैट इज अ हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम इंडियन फार्माकोपिया 1% वेट बाय वेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।